नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संत कबीर नगर पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर धोया। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। के महारण में 7 चरणों में मुकाबला होना है, जिसमें 5 चरणों का युद्ध खत्म हो चुका है और अब छठे चरण में 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संत कबीर नगर जिले के मेहादावल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष को जमकर धोया। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि 5 साल पहले तक डकैती में, महिलाओं के साथ अत्याचार में, अपहरण फिरौती में, हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी में डकैती के मामलों में 70% की कमी, लूट में 59%, हत्या में 29%, रेप के मामलों में 52% की कमी आई है। आज उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, आलू उत्पादन में, हरी मटर के उत्पादन में पहले नंबर पर है। 5 साल पहले किसी भी उत्पादन में यूपी नंबर 1 नहीं था। आज के कार्यक्रम में आएंगे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जीवन के टुकड़े जैसे युवा मित्र। जो 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, मैं 5वें चरण में भूलता भूलता आज यहाँ आया हूँ। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तब वो धर्म देखकर त्योहारों पर बिजली देने का काम करते थे। ये एक जमाना था जब यूपी में ताजिया रमजान में 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जन्माष्टमी, दीपावली, होली में 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। सपा सरकार ने बिजली का भी धर्म तय कर दिया था। बीजेपी सरकार ने सभी त्योहारों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। अखिलेश यादव गर्मी आते ही विचलित हो जाते हैं और पूरे परिवार के साथ चार्टर विमान में लंदन चले जाते हैं। ऐसे नेता क्या आपका भला कर सकते हैं? आज के कार्यक्रम में आएंगे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जीवन के टुकड़े जैसे युवा मित्र। जो 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, मैं 5वें चरण में घूमता घूमता आज यहाँ आया हूँ। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो ये 5 चरण में सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं विपक्ष भी बीजेपी पर जनता को ठगने का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब आने वाले 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसको वो अपना नेता चुनकर यूपी के सत्ता में आरूढ़ करती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।